हरी मिर्च का फटाफट वाला तीखा चटपटा सा अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम हरी मिर्च। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को 2 से 3 बार धो लिया, धो करके बिल्कुल बढ़िया से कपड़े से पोंछ लिया। ये जो आप डंठल देख रहे हैं ना, इसे हमें हटा देना है। अब यहाँ पर आप लीजिए एक हरी मिर्च और हरी मिर्च को इस तरह कैंची से बीच में से लगाइए कट। गैस पर चढ़ाइए एक पैन और सबसे पहले पैन में हम डालेंगे सौंफ, जीरा, मेथी दाना, सरसों के दाने और लो फ्लेम पर बस इस तरह से हल्का हल्का मसालों को भून लेंगे। और मसालों के हल्का सा ठंडा होते ही आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और इसको बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज्यादा फाइन नहीं, दरदरा, परफेक्ट। यहाँ हमें तेल को बिल्कुल बढ़िया धुएंदार गर्म करना है, इसमें से धुआं निकलने लगे। गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और तेल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो हरी मिर्च में सबसे पहले हम डालेंगे कलौंजी। अचार में नमक थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालें तभी बढ़िया भी लगता है अचार। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार पिकल मसाला और इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार तेल जो कि पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने मिक्स कर दिया है। इंस्टेंटली आपका हरी मिर्च का अचार है बिल्कुल तैयार। हमेशा अचार को आप कांच के जार में ही स्टोर करें। तो बस कोयले को गैस पर इस तरह जलाइए, तो बस इसको आप उतारिए, एक प्लेट पर रखिए, इस पर डालिए थोड़ी सी हींग, इसके ऊपर हम लगा देंगे कांच का जार इस तरह, परफेक्ट। प्रॉपर हमारा जार स्टरलाइज हो गया है, अब आप इसमें अचार भर सकते हैं।